ठीक है, जो आज का हमारा डिस्कशन है वो है फेजेस, और तीनों फेजेस के बारे में बताया था मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में, वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने बताया था हर एक फेज के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के तीन फेज होते हैं, तीन फेज कौन कौन से होते हैं? फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ओके, तो सबसे पहले हम फैच फेज को डिस्क्राइब करते हैं। फैच का मतलब क्या बताया था मैंने कि कॉपीइंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। तो मेमोरी से जब इंस्ट्रक्शन सीपीयू में आता है तो कहां पर जाता है वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर? आईआर रजिस्टर में ना, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फैच का मतलब है कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लाके एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को और आईआर रजिस्टर में स्टोर करा रहा, ठीक है। तो जो अब जो इंस्ट्रक्शन फैच है, इट इन्वॉल्व्स मेनी माइक्रो ऑपरेशंस, या हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट जो ये है हमारा इंस्ट्रक्शन मेमोरी से जब सीपीयू के अंदर आएगा तो ये 8-9 स्टेप्स में होता है पूरा पूरा, ठीक है। शुरुआत में क्या होगा कि पीसी रजिस्टर में मेमोरी का एड्रेस होगा, मेमोरी में एड्रेस मतलब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, ठीक है ना। प्रोग्राम हमारा मेमोरी में पड़ा हुआ है तो उस प्रोग्राम का, प्रोग्राम कौन सा? लो लेवल कन्वर्टेड कंपाइल्ड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो सीपीयू रीड कर रहा है, तो उस प्रोग्राम के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी रजिस्टर में होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, तो पीसीयू में एड्रेस होगा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का, क्योंकि अभी कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। और जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा तो पीसी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि पीसी ऑलवेज होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस तो MAR में होगा, एड्रेस रजिस्टर में, लेकिन जो हो रहा है उसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस होल्ड करेगा पीसी। तो जब कोई तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि जब इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो पीसी में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, तो स्टार्टिंग में पीसी होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जो ये एड्रेस है पीसी के अंदर वो ट्रांसफर होगा किसको? MAR को। पीसी से एड्रेस MAR में आएगा, एड्रेस रजिस्टर में, क्योंकि MAR होल्ड्स द एड्रेस जहां से हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शन रीड होना है या फिर राइट होना है। तो दूसरा स्टेप है पीसी से MAR में एड्रेस आ जाएगा, ओके। और जो MAR में एड्रेस है, अब वो एड्रेस MAR किसी ना किसी इंटरकनेक्शन लाइन से मेमोरी से ही तो कनेक्ट होगा, तो वो एड्रेस बस के थ्रू कनेक्ट होगा MAR मेमोरी से। तो MAR से एड्रेस एड्रेस बस पे पुट होगा, ठीक है। और सीपीयू अब सिग्नल जनरेट करेगा, कंट्रोल यूनिट जनरेट करेगा सिग्नल कि मेमोरी को रीड करने के लिए, जो हम कंट्रोल सिग्नल की बात करते हैं ना, तो दीज आर द सिग्नल्स कि अब जब एड्रेस MAR पर प्लेस हो गया तो कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करेगा मेमोरी रीड के लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वो मेमोरी लोकेशन एक्सेस होगी,
जिसका एड्रेस MAR में है, ठीक है, MAR रजिस्टर जो एड्रेस होल्ड कर रहा है उस एड्रेस से कंटेंट्स रीड होंगे और वो कंटेंट्स अब डेटा बस पर प्लेस हो जाएंगे, क्योंकि अब मेमोरी से जो भी रीड हो रहा है वो एज ए डेटा है सीपीयू के लिए, तो वो डेटा बस पर प्लेस हो जाएंगे, ठीक है, और डेटा बस से वो कहाँ आएगा, MBR में, डेटा रजिस्टर में। ये तो कल भी मैंने बताया था, बट थोड़ा और डिटेल में आज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड होके आएगा वो इंस्ट्रक्शन रीड होके आए या फिर वैल्यू रीड होके आए, एवरीथिंग विल बी प्लेस्ड इनसाइड डेटा रजिस्टर, ठीक है, ये जानते हो तुम लोग। अब अगर वो इंस्ट्रक्शन है तो वो डेटा रजिस्टर से IR में जाएगा, ये भी तुम जानते हो कि IR होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन, और IR में जब इंस्ट्रक्शन हमारा पहुंच गया तो अब PC रजिस्टर इंक्रीमेंट होगा बाई वन, ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। एक इंस्ट्रक्शन को फैच होने के लिए CPU तक आने के लिए और IR रजिस्टर तक आने के लिए पूरे माइक्रो ऑपरेशन हैं 8, जो हर एक माइक्रो ऑपरेशन एक CPU क्लॉक साइकिल में परफॉर्म होगा या एक से ज्यादा क्लॉक साइकिल। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि PC रजिस्टर रिड्यूस बात नहीं, PC रजिस्टर जरूरी नहीं कि हमेशा एक से इंक्रीमेंट हो, जैसे पॉइंटर्स में पढ़ा है हमने सी लैंग्वेज में कि पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय वन यूनिट, तो अगर कैरेक्टर पॉइंटर है तो वो एक बाइट से इंक्रीमेंट होगा, इंटीजर पॉइंटर है तो दो से होगा, जिस टाइप का पॉइंटर है उतनी बाइट से इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे PC रजिस्टर इंक्रीमेंट होने का मतलब ये है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अब जितनी लोकेशन के बाद होगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही बाइट में स्टोर हो रहा हो, एक इंस्ट्रक्शन तो वैसे भी 2 byte कम से कम लेता ही है, हो सकता है वो और कंटिन्यूशन में ज्यादा बाइट ले रहा हो। तो PC रजिस्टर इंक्रीमेंटेड बाय 1 unit, और 1 unit का मतलब है कि जितनी बाइट आगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स फॉर इंस्ट्रक्शन फैच फेस, इंक्रीमेंट ऑफ PC रजिस्टर। कुल मिला के बात यह है कि PC रजिस्टर को इंक्रीमेंट होना है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने के लिए, अब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चाहे कितनी भी बाइट आ, ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट में वही चीज लिखी है। अब एड्रेसिंग मोड में हम पढ़ेंगे कि जो रन टाइम हमने देखा था मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें ये भी पॉसिबल है कि जो इंस्ट्रक्शन PC में, मतलब जो एड्रेस है, अगर फंक्शन कॉल है या ब्रांचिंग है तो एड्रेस दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफर होगा कंट्रोल, तो उस केस में PC की वैल्यू फर्दर मॉडिफाई हो जाएगी, उस केस को हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, बट अभी तो ये मान के चलो कि PC इज इंक्रीमेंटेड टू नेक्स्ट एड्रेस। अब आते हैं डिकोड फेज पर, तो डिकोडिंग फेज में क्या होगा कि जो इंस्ट्रक्शन रीड होके आया है वो IR रजिस्टर में है, तो IR रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के करेस्पॉन्डिंग बिट्स हैं कि उस इंस्ट्रक्शन से क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ऑपरेंड्स कहाँ से आएंगे, और इसके अलावा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लाने के लिए क्या फील्ड मोड फील्ड है, मतलब क्या बिट्स यूज होगी, और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इनसाइड द IR रजिस्टर टेल्स फर्स्टली द ऑपकोड कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ऑपकोड मतलब ऑपरेशन कोड, द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, और उस ऑपरेशन के लिए ऑपरेंड्स
की लोकेशन, ऑपरेंड्स मे बी इनसाइड द इनपुट आउटपुट मेमोरी रजिस्टर्स और इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, इंस्ट्रक्शन के साथ भी ऑपरेंड हो सकता है, इंस्ट्रक्शन के साथ इंक्लूड भी हो सकता है. ओके, तो ये सारी चीजें डिसाइड करना, दिस इज द डिकोडिंग. क्योंकि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन तो आईआर में पड़ा हुआ है, अब आईआर रजिस्टर से पूरे इंस्ट्रक्शन की बिट को एनालाइज करके और अलग अलग चीजें एनालिसिस करना कि हाँ अलग अलग पार्ट का क्या क्या मीनिंग है, ये डिकोडिंग है. तो डिकोडिंग एक तरह से ये शो कर रहा है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ऑपरेंड्स किस लोकेशन से मिलेंगे. लोकेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया, चाहे आईओ डिवाइस हो, मेमोरी हो, रजिस्टर हो, या इनसाइड द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ. मतलब इंस्ट्रक्शन की मीनिंग को इंटरप्रेट करना चाहिए कि जो बिट्स हमें मिली है. जैसे सपोज करो कि तुम्हारा जो एनरोलमेंट नंबर है तो वो एज ए एनरोलमेंट नंबर है एक जनरल आदमी के लिए, लेकिन अगर तुम टेक्निकली देखो तो एनरोलमेंट नंबर में काफी चीजें छुपी हैं. पहले तो संस्था कोड है उसमें 355 शायद, और फिर ब्रांच कोड है, संस्था कोड, ब्रांच कोड, फिर शायद ईयर वाइज भी है, लास्ट में ईयर का आता है या पहले आता है जो भी है. मतलब तीन चार चीजें हैं उसमें इंक्लूड, संस्था कोड, ब्रांच कोड, ईयर, और शायद ये जोन भी उसी में, जोन नंबर भी उसी में, चार जोन का अलग अलग नंबर. तो वैसे तो एनरोलमेंट नंबर है, ऐसे ही जो इंस्ट्रक्शन है कि जो हमारा है वो कंप्लीट बिट स्ट्रिंग है, बट उसको एनालाइज करेंगे तो अलग अलग चीज मिलेंगी. जो स्टार्टिंग की बिट्स है उससे क्या मिलेगा, ऑपकोड, और ऑपकोड की कितनी बिट होगी इस पर डिपेंड करेगा कि सीपीयू हमारा कितने ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, और उसके बाद बाकी तो ऑपरेंड्स है ही. और एक चीज और होती है उसमें कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए रेफरेंस, तो वो हम आगे के लेक्चर्स के लिए रखते हैं क्योंकि सारी चीजें अभी समझ में नहीं आ सकती. ठीक है, तो इसको पढ़ लो इस स्लाइड को, कि कोई नई चीज ऐसी तो नहीं लिखी जो मैंने. आगे चले, कंट्रोल यूनिट का काम है डिकोड करने का, और कंट्रोल यूनिट के अंदर एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, आईडी डिकोडर, विच डिकोड्स द वैल्यू. डिकोड का मतलब कोड में दी हुई है बाइनरी में, उसको एक्चुअल चीजों में एनालाइज करना है. कोड, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वैल्यू को इंटरप्रेट कर रहा है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और उसके लिए फिर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा सीपीयू. सीपीयू के पास कंट्रोल एंड टाइमिंग सर्किट होता है, या एक तरह से कह सकते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक. जो ये सीपीयू की फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं ना, 2.3 गीगाहर्ट्ज़ या 3 गीगाहर्ट्ज़ या 2.8, दिस इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी विच इज द पार्ट ऑफ द जनरली कंट्रोल यूनिट. तो उस क्लॉक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही हमारा सीपीयू की स्पीड होती है, और वही कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल जनरेट करता है डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए, और डिफरेंट पार्ट्स सीपीयू के या कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए. कि जैसे हम ऑलवेज हम अपना एडिशन का एग्जांपल लेते हैं, तो एडर को एक्टिवेट करना, ये कंट्रोल यूनिट के थ्रू, कंट्रोल मतलब कंट्रोल सिग्नल के थ्रू कंट्रोल यूनिट का वर्क है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है उसमें. डिकोडिंग फेज के जो ऑपरेशन है, यू कैन सी इट, पहला ऑपरेशन है ऑपकोड को फाइंड करना, फिर ऑपरेंड्स की लोकेशन, तीसरा एड्रेसिंग मोड, वे ऑफ फाइंडिंग द रेफरेंस फॉर ऑपरेंड्स एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. एड्रेसिंग मोड्स की मतलब है कि जो हमारे ऑपरेंड्स हैं वो कैसे वहां तक आएंगे.
ठीक है, आप इसको हम डिटेल में जब एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे तब पता चलेगा तुम्हें। जैसे फॉर एग्जांपल कि इंस्ट्रक्शन हमारा ये बता सकता है कि ऑपरेंड मेमोरी में है, दूसरा तरीका ये है कि इंस्ट्रक्शन से ये पता चल सकता है कि ऑपरेंड कहाँ है, रजिस्टर में है, तीसरा ये भी हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन में हमारा ऑपरेंड्स ना हो, ऑपरेंड डायरेक्ट एड्रेस ना हो, इंस्ट्रक्शन के अंदर हो सकता है मेमोरी लोकेशन हो जहां से ऑपरेंड मिलने हो। जैसे पॉइंटर के केस में जब हम इंट आई डिक्लेयर करते हैं और इंट स्टार जे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर वेरिएबल और पॉइंटर जे, तो पॉइंटर जे में जब आई का एड्रेस डालते हैं तो जब हम आई की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो आई या फिर स्टार जे, आई थिंक सभी लोगों को याद आ रहा होगा डेटा स्ट्रक्चर पॉइंटर से, तो स्टार जे से भी आई की वैल्यू प्रिंट होती है और आई से भी होती है, लेकिन आई डायरेक्ट हमें वैल्यू देता है और स्टार जे हमें क्या देता है, इनडायरेक्ट। स्टार जे का मतलब ये है कि पहले उस एड्रेस पर जाओ, उस एड्रेस पर, मतलब स्टार जे का सिंपल मीनिंग ये है कि वैल्यू एट एन एड्रेस, जो एड्रेस जे में है, आई से तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी बट स्टार जे से पहले एड्रेस पे जाके फिर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ एड्रेसिंग मोड्स में है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है कंट्रोल यूनिट के अंदर, तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर का ही काम है डिकोडिंग करना, ठीक है। तो जो भी डिकोडिंग के टास्क है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन डिकोडर, यू कैन रीड इट आउट। ठीक है, तो डिकोडिंग एक तरह से मैंने बता ही दिया है तुम लोगों को। तो उसी के हिसाब से हमारे कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल यूनिट द्वारा जनरेट होते हैं। तो डिकोडिंग फेज में एक तरह से ये स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, ठीक है। वो एक तरह से के उन्हीं पॉइंट्स को मैंने रिपीट किया हुआ है दूसरे वर्डिंग में, जिससे तुम चाहे वैसे समझो या इस तरह, नया इसमें कुछ नहीं इस स्लाइड में, बट मैंने उन्हीं वर्डिंग को दूसरे उसमें चेंज कर दिया। डिकोडिंग स्टेज में कौन कौन से रिसोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेस तो जानते ही हो सभी लोग, तो डिकोडिंग स्टेज में हमारा क्या है कि पहले तो डिकोडिंग के अकेले में नहीं, एक तरह से एग्जीक्यूशन जब भी होता है इंस्ट्रक्शन का, तो ये सारे रिसोर्सेज एक तरह से सारे फेसेस के लिए एप्लीकेबल, ठीक है। जैसे जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं टू स्टोर द डेटा, तो ये रजिस्टर्स भी हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम भी यूज होते हैं। बसेस टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स, ये हर एक फेज में यूज होती है, ठीक है। और बाकी फंक्शनल यूनिट टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, ये एग्जीक्यूशन फेज में होता ही होता है हमारे। और जो सीपीयू क्लॉक और क्लॉक साइकिल की बात करी थी मैंने अभी, ठीक है, तो वो इस स्लाइड में लिखा हुआ है। जो भी सिग्नल हमारे फ्लो होते हैं या भी जो भी कंट्रोल सिग्नल्स है, दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लॉक इनसाइड द सीपीयू, कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जो है हमारा कंट्रोल यूनिट के अंदर, तो जितने भी ऑपरेशंस हैं या माइक्रो ऑपरेशंस बेटर वी कैन से, दे विल टेक द डिफरेंट
नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स। क्लॉक साइकिल से मतलब क्या है, एक तरह से हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसका रिवर्स, क्लॉक साइकिल टाइम। अगर 2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो जो क्लॉक साइकिल टाइम आया वो 1/1 डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी, जो भी नैनो सेकंड के ऑर्डर का टाइम आया। अगर गीगाहर्ट्ज की उसमें है फ्रीक्वेंसी हमारे प्रोसेसर में, तो जो क्लॉक साइकिल टाइम आएगा वो नैनो सेकंड के ऑर्डर में आएगा, ठीक है। दैट मींस के 1 माइक्रो ऑपरेशन विल बी परफॉर्म इन अप्रोक्सीमेटली 1 नैनो सेकंड। दिस इज द थिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एडिशन को यानी समेशन को 1 क्लॉक साइकिल लग रही है तो मल्टीप्लाईकेशन को भी 1 ही क्लॉक साइकिल लग रही है, नॉट सो देयर। क्योंकि एडिशन एल्गोरिथम आसान होती है एडर की, और मल्टीप्लाईकेशन एल्गोरिथम अगर सिलेबस में है शायद तुम्हारे सेम में, वी विल सी कि इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड वन। तो सिंपली मीनिंग ये है कि डिफरेंट ऑपरेशंस विल टेक द डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्लॉक साइकिल। जो टाइम टेकन होगा अलग अलग माइक्रो ऑपरेशन का वो क्लॉक साइकिल के यूनिट में होगा, या तो 1 क्लॉक साइकिल लेगा या 2 लेगा या 3 लेगा, जो भी टाइम है तो वो क्लॉक साइकिल के उसमें होगा वोल्टेज में। अगर ब्रांचिंग है, स्विचिंग मतलब स्विचिंग है, जंपिंग है या फंक्शन कॉल है, इट विल टेक टू मेनी साइकिल्स। क्योंकि फंक्शन कॉल वगैरह है तो उसमें जो कॉल ट्रांसफर होती है दूसरे मेमोरी लोकेशन पे, उस पर काफी सारा सीपीयू को एफर्ट करना पड़ता है। नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स नीडेड, जो एक्चुअल टाइमिंग है वो हमारे 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक जो टाइम नीडेड है किसी भी ऑपरेशन को, वो एक तरह से एक्चुअल टाइमिंग वो डिपेंड करती है 2 चीजों। पहले तो मेमोरी सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा कम्युनिकेशन चैनल, मतलब डिफरेंट यूनिट्स को जो इंटरकनेक्टिंग लाइंस हैं, जो सर्किट है। क्योंकि अगर सीपीयू के अंदर है तुम्हारा ट्रांसफर, तब तो वो सीपीयू की स्पीड से हो जाएगा, लेकिन अगर सीपीयू टू मेन मेमोरी है तो ऑब्वियसली इट विल टेक मेनी मोर क्लॉक साइकिल्स। पहली चीज तो मेमोरी को रिस्पॉन्ड करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मेमोरी से डेटा हमारा बसेस के थ्रू और रजिस्टर के थ्रू तब सीपीयू के अंदर आएगा। तो जो ये हमारा फैच डिकोड एंड एग्जीक्यूट फेजेस का जो टाइमिंग है, तो वो एक तरह से के प्रोसेसर के अंदर के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर डिपेंड करता है। और ये जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट है प्रोसेसर का, ये हमारा लोकेटेड होता है माइक्रो कंट्रोलर, एक डिवाइस होती है सीपीयू के अंदर माइक्रो कंट्रोलर। So that device stores all the instructions of that CPU. अब एक तरह से ये जो है एक sample diagram बना हुआ है, इसको तुम समझ सकते हो। ये इसमें हमने मान के चले हैं कि जो IR register है वो 2 byte का है, generally 2 byte का जैसे होता था पहले, और instruction हमारा 2 byte instruction है, 2 byte। तो इसमें देखो सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जिसमें 0 to 11, मतलब 11 बिट हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, एड्रेस के लिए। और जो बिट नंबर 12 13 14 तीन बिट है, इनको 3x8 डिकोडर से पास कर रहे हैं। तो 3 बिट हमारी ये डिसाइड कर रही है कि ऑपरेशन कौन सा है, ठीक है। और जो लास्ट बिट है ये मोड फील्ड आई है, जो ये डिनोट कर रही है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, और डायरेक्ट में भी रजिस्टर में है ऑपरेंड्स या मेमोरी में है, कहां पर है। तो ये जो 3x8 डिकोडर है, इसमें से 3 इनपुट लाइन होंगी तो आउटपुट 8 होंगी, क्योंकि 3x8 है।
डिकोडर हमेशा होता है n is to 2 raise to the power n. अगर चार इनपुट लाइन होंगी तो 16 आउटपुट लाइन होंगी, पांच होंगी तो 32 होंगी. तो ये तो क्या है कि एक तरह सिंप्लिसिटी के लिए एक छोटा डायग्राम बनाया गया है. अदरवाइज नाउ इट इज डिकोडर आर यूज्ड कि जो है हमारा वो आठ इनपुट आ रहे तो 64 हमारे आउटपुट जा रहे हैं. ठीक है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन समझने के लिए हम कम उससे समझते हैं. तो ये हमारा जो तीन बिट है ये हमारे डिकोडर में गई D0 से D7. ठीक है, और इधर है ये सीक्वेंस काउंटर नीचे, मतलब जो क्लॉक के लिए हमारा सर्किट है. तो सीक्वेंस काउंटर में इनपुट है हमारा INR फॉर इंक्रीमेंट के लिए, क्लियर के लिए, क्लॉक के लिए. तो जो सीक्वेंस काउंटर के आउटपुट आए चार वो फिर डिकोडर में पास हुए और वो 16 टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट हुए उसमें. मतलब एक तरह से क्लॉक साइकिल 16 इसमें जनरेट हुई. तो हर एक क्लॉक साइकिल में कोई ना कोई टास्क परफॉर्म हो सकता है. ठीक है, आगे चलते हैं. इसमें ये सीक्वेंस काउंटर दिखाया हुआ था उसमें मैंने, लेकिन बट ये तुम्हारे सिलेबस में इतना डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं है. हर एक यूनिट का इंटरनल स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है. अब टाइमिंग सिग्नल से अगर हम फैच फेज को डिनोट करना चाहें तो ये डायग्रामेटिकली वी कैन सो लाइक दिस कि जो T1 क्लॉक साइकिल है उसमें हमारा PC से MAR में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, T2 में M ब्रैकेट में MAR मेमोरी पॉइंटेड बाय MAR, ओके, उससे डेटा ट्रांसफर हो रहा है MBR में. और जो T3 है T3 में MBR से आ रहा है IR में, और साथ ही साथ PC रजिस्टर भी इंक्रीमेंट हो रहा है. एक ही क्लॉक साइकिल में दो काम हो रहे हैं. जरूरी नहीं है कि सभी प्रोसेसर के लिए, ये तो मॉडर्न लेटेस्ट प्रोसेसर के लिए. पहले प्रोसेसर में ये PC अलग क्लॉक साइकिल में इंक्रीमेंट होगा हमारा, ओके. तो ये T1 T2 T3 तीनों डिफरेंट क्लॉक साइकिल को डिनोट कर रहे हैं. इसी तरह डिकोड फेज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंबोलिकली. डिकोड IR 12 टू 14 मींस कि IR रजिस्टर की बिट नंबर 12 13 14 को डिकोड किया जिससे आठ आउटपुट मिले D0 टू D7, तो एक क्लॉक साइकिल. नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में कि जो 11 बिट्स हैं IR रजिस्टर की, मतलब जो एड्रेस को डिनोट कर रही, वो MAR में ले आए जिससे MAR से अब वो बस से इंटरेक्ट होके और यहाँ से इंटरेक्ट होके फिर वहां से कंटेंट्स हमारे एक्सेस होंगे. और लास्ट बिट है वो मोड बिट है 15. ठीक है, तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर फैच एंड डिकोड. अभी एग्जीक्यूट और रह गया, वो नेक्स्ट स्लाइड में है तो मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ. अभी टाइम है अपने पास, डिस्कस हो जाएगा. ठीक है, तो फैच फेज एंड डिकोड फेज ये दोनों हो गए. अब एग्जीक्यूशन फेज. तो जब सारी चीजें CPU को मालूम चल गई, इंस्ट्रक्शंस भी आ गया, ये भी पता चल गया कौन सा ऑपरेशन होना है, कंट्रोल यूनिट ने सिग्नल जनरेट कर दिए, ऑपरेंड्स की लोकेशंस मालूम चल गई, तो अब सीधे बस वर्क होना बाकी है. ठीक है, मतलब एक तरह से इंग्रेडिएंट कि तुम्हें मसाला तैयार करना है, मतलब सारी चीज तुम्हारे सामने रखी है, हल्दी धनिया मिर्चा सब पता है तुम्हें, कौन क्या डिब्बे में रखा है, तुमने उठाया, प्रोसेसिंग करनी है बस, उसको रेसिपी बनानी है. ठीक है, तो इसको 10 मिनट का टाइम है, ट्राई करते हैं कि डिस्कस कर लेते हैं. तो एग्जीक्यूशन के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एग्जीक्यूशन के अंदर मेन जो चीजें हैं हमारी कि डेटा को फैच करना, यानी ऑपरेंड्स को उनकी लोकेशन से लाना, रजिस्टर में स्टोर कराना जनरल पर्पज में, ALU के ऑपरेशंस, मेमोरी रीड राइट फॉर डेटा. ठीक है, तो इसको पहले पढ़ लो फिर हम उस पॉइंट पे आते हैं.
जो डिकोडेड इंफॉर्मेशन है वो कंट्रोल यूनिट ऑफ कंट्रोल सिग्नल के फॉर्म में रिलेटेड फंक्शनल यूनिट को पास करता है, ठीक है, जैसे रजिस्टर से वैल्यू रीड करना, ALU में पास करना, या रिजल्ट को डेस्टिनेशन तक भेजना। अच्छा नहीं हो रही, ओके लेट्स शेयर। चलो ये तो मैं सही बता दिया, मैं शेयर करता हूँ। ये तो वही आ गया। अब आ गया, ठीक है। तो एग्जीक्यूट फेस में मोर फेच साइकिल्स फर्दर मेमोरी ऑपरेशंस, मतलब क्या है कि जब ऑपरेंड्स की लोकेशंस पता चल गई तो अब एग्जीक्यूशन के अंदर ऑपरेंड्स को भी तो फेच करना है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मोर फेच साइकिल्स। डेटा फैच का मतलब कि एग्जीक्यूशन के अंदर जब डेटा को वहां से हमें फैच करना है, कहां से, उनके लोकेशन से, तो डेटा फैच के स्टेप वही है जो इंस्ट्रक्शन फैच के। बस अंतर ये है कि डेटा रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन फैच में जब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड होता है तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ आता है, चाहे इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड हो या डेटा रीड हो, डेटा रजिस्टर में आएगा। तो डेटा फेच में अंतर ये है कि जो डेटा डेटा रजिस्टर में आ जाएगा वो IR रजिस्टर में ना जाके वो जनरल पर्पज रजिस्टर में जाएगा। IR रजिस्टर में तो इंस्ट्रक्शन जाएगा, लेकिन अगर डेटा रीड हो रहे हैं तो वो जनरल पर्पज रजिस्टर में जाएंगे। बस अंतर ये, ठीक है, बाकी एज इट इज है इंस्ट्रक्शन फैच की तरह। सपोज करो कि एड इंस्ट्रक्शन है अगर, ठीक है, तो एड इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग के बाद प्रोसेसर क्या है कि मेमोरी से दो ऑपरेंड फैच करेगा अलग अलग, एक बार में पहला, दूसरी बार में दूसरा ऑपरेंड, फिर उनको जनरल पर्पज रजिस्टर GPR में लाएगा, ठीक है, फिर एडर के थ्रू एड होंगे वो, रिजल्ट किसी GPR में स्टोर होगा और रिजल्ट मेमोरी लोकेशन पर राइट होगा। अब जो एग्जीक्यूशन ऑपरेशन है यानी एग्जीक्यूशन फेज है, इट मे इन्वॉल्व दीज फाइव टाइप ऑफ ऑपरेशंस। जैसे मैंने बताया था कि मेमोरी रीड राइट, इनपुट आउटपुट, रजिस्टर ट्रांसफर, ALU ऑपरेशन एंड राइटिंग द रिजल्ट। मेमोरी रीड राइट सिंपल है, उसमें क्या है कि जब मेमोरी से ऑपरेंड रीड करना है या प्रोसेस होके जो ऑपरेंड आ रहे हैं वो मेमोरी में राइट करना। इनपुट आउटपुट कि अगर हमारे प्रोग्रामिंग में जो हाई लेवल है उसमें इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है तो वो भी एग्जीक्यूशन के दौरान ही हमारा परफॉर्म होगा। रजिस्टर ट्रांसफर, जो भी रजिस्टर के अंदर डेटा ट्रांसफर होते हैं वो एग्जीक्यूशन का ही पार्ट है। भाई डेटा मेमोरी से आएगा, डेटा रजिस्टर में आएगा, फिर GPR में आएगा, फिर ALU में आएगा, ALU में परफॉर्म होगा, उससे रिजल्ट वापस ALU के फिर GPR में आएगा, फिर वो रिवर्स बैक मेमोरी में जाएगा। ALU ऑपरेशन, कोई भी ALU ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूशन के अंदर ही होगा। राइटिंग द रिजल्ट, ठीक है, एक तरह से राइटिंग द रिजल्ट वो मेमोरी राइट का ही फॉर्म है, लेकिन रिजल्ट हमारा अगर मेमोरी में हम नहीं भेज रहे
तो कहीं और भेज रहे होंगे, अगर प्रिंट कर रहे हैं प्रिंटर पर भी तो भेज सकते हैं, तो वो मेमोरी में तो नहीं गया, तो राइट रिजल्ट को हम कहीं भी राइट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो ये डिफरेंट ऑपरेशन है, अभी इन्हीं को अलग अलग स्लाइड्स में दिखाया हुआ है, तो मैं स्लाइड्स दिखा देता हूँ, बाकी ये सब पांचों पॉइंट सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है, इसमें ज्यादा अब समझाने की जरूरत नहीं है। दो स्लाइड्स एक तरह से मैंने कवर कर दी इस लेक्चर में, बट प्रीवियस ईयर दीज टू स्लाइड्स वेयर इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट लेक्चर्स। अभी टाइम कम है अपने पास, 3-4 मिनट उसमें सारी स्लाइड्स कवर करनी, ठीक है। मेमोरी रीड राइट में कुछ समझाना नहीं है, इनपुट आउटपुट में थोड़ा सा ये है कि जो इनपुट ऑपरेशन होगा वो कीबोर्ड से कीबोर्ड के बफर में जाएगा, ठीक है, फिर बफर, बफर का मतलब क्या है, मेमोरी, मेन मेमोरी, लेकिन उस डिवाइस के लिए मेमोरी, हर एक डिवाइस की अपनी अलग रिजर्व मेमोरी है जिसको हम बफर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कीबोर्ड से गया मेमोरी में, मेमोरी से फिर MBR में आया, मेमोरी से MBR में ही आना है, ठीक है, या मेमोरी पे जाना है, राइट होना है, तो भी MBR से मेमोरी में जाना, और वो इनपुट रजिस्टर में चला जाएगा। कुछ प्रोसेसर में इनपुट रजिस्टर हो भी सकते हैं, कुछ में नहीं है अगर इनपुट रजिस्टर, तो फिर वो GPR में जाएगा डेटा, ठीक है। और आउटपुट ऑपरेशन इसका रिवर्स है, आउटपुट रजिस्टर CPU के अंदर होगा, उससे MBR में आएगा, वो बफर में जाएगा, मतलब उस डिवाइस की मेमोरी में, ठीक है। तो रजिस्टर ट्रांसफर जानते ही हो, एक रजिस्टर से डेटा दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर होना, ट्रांसफर का मतलब कॉपी होता है, ठीक है, जिस रजिस्टर में होता है स्टार्टिंग में उसमें तो हमेशा बना ही रहता है। जैसे तुमने i इक्वल टू j लिखा, इसका मतलब क्या है, j की वैल्यू i में ट्रांसफर नहीं हुई, i तो j में तो वो रहेगी, वो उस पर कॉपी होगी। ALU ऑपरेशन, ठीक है, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी 2-2 मिनट पढ़ लो, नहीं भी पढ़ पाओगे तो वीडियो लेक्चर तो तुम्हारे है ही, अपलोड होगा तो यू विल बी हैविंग एन एक्सेस टू इट, जो बीटेक करेंगे उनके काम आ जाएंगे लेक्चर। देख लो स्लाइड्स में, इसमें कुछ ऐसा पॉइंट डाउट तो नहीं जो मैंने ना एक्सप्लेन किया, ठीक है। ALU फीडबैक जरूर थोड़ा नया है इसमें, हाँ, अब ALU फीडबैक का मतलब ये है ना कि ALU में जैसे कोई ऑपरेशन हुआ तो ALU इंडिकेट करेगा ना अब कि जो रिजल्ट है वो कैरी है, उसमें पैरिटी है, बोरो है, या कंपैरिजन रिजल्ट है ALU का, तो उसका कंपैरिजन का क्या रिजल्ट आया, कि कंपैरिजन ट्रू है या फॉल्स, 0 है 1, या नेगेटिव है वैल्यू या पॉजिटिव है। उसमें कोई CPU में नेगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं है, वो तो साइन अनसाइंड हो उससे हमारी मैनिपुलेट होती है। तो ये जो इंडिकेशंस है, मैंने फ्लैग रजिस्टर में बताया था PSW में, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में, तो ये CPU इसका ALU का फीडबैक है जो फ्लैग के फॉर्म में जनरेट होता है और किसी फ्लैग रजिस्टर में स्टोर होता है बिट के फॉर्म में, ठीक है। कई कंडीशन हो सकती है जैसे 0 नॉन 0, ट्रू फॉल्स, पैरिटी, कैरी, बोरो, ओके, कंपेरिजन, तो ये सारे जो फ्लैग्स हैं, जो रिजल्ट हैं, यानी जो इंडिकेशन है, फीडबैक है, वो फ्लैग रजिस्टर में स्टोर हो सकता है, हमारा होता ही है, मतलब वो कर सकता है।